देखो बड़ा बिजनेसमैन दो दो को फोन चला रहा। अरे ये शाहरुख खान। रात का 12 बजे हम लोग निकल चुके हैं दुर्गा पूजा का पंडाल घूमने, और आज 12 पार हो गया भाई, 12 बज गया भाई, रात का 1 बज रहा है अभी। तो भाई पहले अपना घर के पास वाला जो पंडाल है, पहला पंडाल वहां से शुरू करते हैं, और काफी शानदार पंडाल हुआ है ये, तो आप लोग को मैं दिखाता हूँ। अभी तक रेडी नहीं हुआ है, तो कुछ ऐसा पंडाल है देख सकते हो, और पहला पंडाल में घूम के अब निकलूंगा यहाँ से। जय दुर्गा माँ। भाई भी रेडी हो गया है। लाइट वाइट क्यों जला है? लाइट उठ भाई। कहाँ पंडाल पहला वाला घूमेंगे? पहला पंडाल किधर जाएंगे? कल्याणी जाएंगे गाइस। कल्याणी में क्या बना है गाइस? गाइस लोग को बताओ, लोग को बताओ कल्याणी में क्या बना है? क्या बना है थोड़ा नाम हमको याद नहीं है इसको। ठीक है, कुछ बना है आउट ऑफ कंट्री का, आउट ऑफ कंट्री का, चाइना का शायद, चाइना का कोई थीम बना है क्या? तो भाई हम लोग अभी कल्याणी जाएंगे। और तो आज क्या है भाई? तृतीया, मतलब 12 बज गया है, तो आज मंडे हो गया, तो आज तीसरी है, कल चतुर्थी, पंचमी। तो गाइस अभी जाने के लिए मतलब है, हाँ। तो आज कुछ भीड़ नहीं होगा, आज संडे है तब भीड़ नहीं होगा। कल से जो बड़ा बड़ा पंडाल है कल्याणी, कल्याणी में कितना भीड़ हो सकता है, लेकिन भीड़ होगा, भीड़ होगा आज गाइस, होगा तो स्किप ना करके वीडियो देखें। लेकिन अगले साल जैसा कुछ, मतलब ऐसा कुछ खास बना, खास नहीं, बना नहीं, कोई पेंडल भी एवर से नहीं है। जोर से बोलो, बहुत आवाज है, और माइक नहीं तो क्या कर। कहां गया था मिठुन? अभी आ रहा है, देखो अपना तार्जन भाई, मौत खावा बच्चे। गाइस तो आज चौथमी है, अरे तो आज हम लोग निकल रहे हैं कल्याणी की तरफ। पंचमी है नहीं, बुधवार को पंचमी है शायद होगा। ये बिमल दा खाली दारू पीता भाई, पूजा हो चाहे कुछ भी हो, खाली इसको कोई मोमेंट चाहिए पीने का, ऐसे पीता है, लेकिन और कोई मोमेंट, खुशी का मोमेंट रहता है तो एक बोतल की जगह दो बोतल पी लेता भाई। आई देखो तो भाई इधर भी पंडाल बना है एक्सप्रेस ढाबा में। तो भाई आ गए हैं अभी चाय पीने एक्सप्रेस ढाबा, और यहाँ से कल्याणी कुछ 20-25 किलोमीटर होगा, तो अभी एक्सप्रेस ढाबा आ गए हैं, चाय पियेंगे यहाँ पे। और हल्का हल्का ठंडा लग रहा है ना सुनील, ये तो स्वेटर पहन के आया लग रहा है। तो अभी फिलहाल चलते हैं एक्सप्रेस ढाबा में चाय पीने गाइस। तो यहाँ पे है चाट वाला, यहाँ पर है आइस वाला, क्यों तो है चाय वाला। और यहाँ पे कुछ बैठने का कुछ ऐसा सिस्टम है, फटिया उठिया देखे, और काफ़ी लाइटिंग है इधर, और फोटोशूट भी हो रहा है इधर भाई, भाई लोग का फोटो शूट हो रहा है। क्या नो खुदरा नाटा जल नो आर আমার জন্য কিট কেট নাও अभी भी देख लो, कोई कोई पंडाल में अभी दुर्गा माँ आई नहीं, अभी जा रही है देखो, तो फिर भी लोग अभी आदमी लोग सब घूमना शुरू कर दिया है इतना जल्दी जल्दी सब लोग। तो कल्याणी मोड़ पे के तरफ में ही हैं हम लोग गाइस, पंडाल की तरफ जाते हुए। छोटा तो लो
यहाँ पे मेला लगेगा बट अभी लगा नहीं है पूरा, लेकिन आदमी लोग का भीड़ बहुत ज़्यादा ही हो गया है, देख सकते हो इधर कहीं गाड़ी चाप दे मिले। पूरा 2 बज रहा है गाइस और अभी पंडाल की तरफ चल रहे हम लोग। यहाँ से लाइन शुरू हो जाता है, देख सकते हो यहाँ से लाइन शुरू होता है, नहीं अभी पीछे से लाइन शुरू हो जाता है, लेकिन ये आज नहीं भरेगा, ये भरेगा आपका कल से, मतलब कल या परसों से, फिर वहाँ से सबको लाइन देना होगा। और अभी तो पूरा फांका है, देख सकते हो हम लोग आराम से जा रहे हैं, फिर भी कुछ भीड़ तो रहेगा, लाइन देना ही होगा। तो गाइस जो लाइट देख पा रहे हो वहाँ पर, वहीं पे पंडाल है भाई, देख सकते हो पंडाल और उसका लाइटिंग कुछ अलग भी होता है यहाँ पे। देखो बड़ा बिजनेसमैन, दो दो को फोन चला रहा है, अरे ये शाहरुख खान, ये शाहरुख खान आ रहा है। अब इधर मेला में आ गए हम लोग, तो गाइज जितना आसानी से हम लोग पंडाल ढूके और बाहर निकल गए हैं, उतना आसानी से कल या परसों से कोई नहीं ढूक पाएगा ना निकल पाएगा। तो गाइज कल्याणी ITI मोड से अब हम लोग जा रहे हैं A9 स्क्वायर पार्क, जो कि यहीं से 2 किलोमीटर है कल्याणी ITI मोड से, तो वहाँ पे राम मंदिर का थीम बना हुआ है, तो चलते हैं वहाँ पे, देखते हैं क्या होता है, कैसा बना हुआ है। अगले बार वहाँ पे शायद 4 धाम बना हुआ था, इस बार राम मंदिर बना या कंफर्म नहीं हूँ मैं, बट जा रहे हैं A9 स्क्वायर पार्क कल्याणी, तो चलते हैं देखते हैं। तो गाइज आ गए हैं A9 स्क्वायर पार्क और यहाँ पे राम मंदिर ही बना है, समझ में आ नहीं रहा है भैया, देखते हैं। तो गाइस आ गए हैं और कुछ ऐसा है यहाँ पे देख सकते हो, कल्याणी से 3 बजे के करीब हम लोग निकल गए थे और अभी आगे हम लोग बेलगढ़िया, और बेलगढ़िया में एक पंडाल बना है वहीं पर रुके हुए हैं, देख सकते हो ये पंडाल, तो ये वाला देखेंगे, इसके बाद हम लोग जा रहे हैं संतोष मित्र स्क्वायर, वहाँ पे मतलब सबसे फेमस वही पंडाल हमको लग रहा है कलकत्ता में। तो ऐसा कुछ है इधर, पूरा रास्ता पूरा फांका है,
और मैं पास से दिखाता हूँ कुछ ऐसा करके बना हुआ, देख सकते हो। तो भाई मतलब एकदम भीड़ नहीं है, तो ये सोचो मत कि पंडाल उतना खास बना नहीं है। ये कल और परसों के बाद से इतना भीड़ होगा कि रास्ता में पूरा जाम, मतलब पूरा लाइन लगा रहेगा। अभी तो हम लोग ऑफ सीजन में आ गए। इधर भी बहुत सारा पंडाल है, बट 5 बजने वाला है, तो संतोष मित्रा स्क्वायर जो है, अगर दिन हो गया तो फिर मजा नहीं आएगा वो पंडाल देखने का। तो इधर चारों दोनों साइड पंडाल ही पंडाल है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते हैं। बंद हो गया क्या मालूम है यार, 5 बज गया है, पता नहीं दिन हो जाएगा, लाइटिंग बंद हो गया तो फिर बर्बाद सब, बंद ना हो जाए इसलिए भाग गया, सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। सुबह का 6 और अभी हम लोग घर के तरफ चलते हुए। तो गाइस किसको किसको पंडाल कौन सा सबसे अच्छा लगा? मेरे को तो लगा यही है लास्ट वाला, संतोष मित्रा स्क्वायर वाला पिकाचू। तुमको सुनील? उनको भी वही लगा, कल्याणी वाला भी अच्छा था। तुमको भी बीमला गांडू, गुटका गांडू, गुटका पांडू, सॉरी गुटका पांडू
কোনো ভালো লাগে না যা বাবা এটা গুটকা প্যান্ডেল করতে হবে সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার আর থোড়া সা আচ্ছা হতো আগে আমরা থোড়া সা আর অন্ধেরা মে আতে মতলব 4:30 বাজে কে করিব মে আতে তো আচ্ছা।